नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G वर्सेस टेक्नो कैमन 35G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 फ्यूजन में 6.38 इंच जबकि कैमन 35G में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 50 फ्यूजन में 2.88 इंच जबकि कैमन 35G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 फ्यूजन में 175 ग्राम्स जबकि कैमन 35G में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 50 फ्यूजन से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 फ्यूजन में PoLED जबकि कैमन 35G में LTPS AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 50 फ्यूजन में 20:9 जबकि कैमन 35G में 20:3:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50 फ्यूजन में 6.67 इंचेस जबकि कैमन 35G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50 फ्यूजन में 1080x2400px FHD+ और कैमन 35G में 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 फ्यूजन में 90.7% जबकि कैमन 35G में 87.07% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 फ्यूजन में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि कैमन 35G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 फ्यूजन में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और कैमन 35G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 फ्यूजन में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और कैमन 35G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 50 फ्यूजन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और कैमन 35G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 फ्यूजन में Adreno 710 जबकि कैमन 35G में IMGBXM8-256 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 फ्यूजन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और कैमन 35G में MediaTek Dimensity 7020 मिलता है। बात करें रैम की तो 50 फ्यूजन में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की रैम मिलती है, जबकि कैमन 35G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 50 फ्यूजन में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि कैमन 35G में 1 ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 50 फ्यूजन में नहीं है जबकि कैमन 35G में है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 50 फ्यूजन में 3 कलर्स जबकि कैमन 35G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 फ्यूजन में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 27,900 रुपीस में मिलता है। और बात करें कैमन 35G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो मोटोरोला एच 50 फ्यूजन 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो कैमन 35G की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V35G है, दूसरा Xiaomi 14 Civi 5G है, तीसरा Tecno Camon 30 Premier 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 12R 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।